ये भी महंगा नहीं चीज है। ब्रेक हो गया मानता था हमने तो ब्लॉग एंड किया। अस्सलाम वालेकुम टू द फैमिली ऑफ ट्रियो। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी आपकी सही जा रही होगी। तो यार आज का हमारा जो प्लान है, आज समीर की सालगिरह थी 15 नवंबर को, तो कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से उसको हम कर नहीं सके, तो हमने सोचा था कि उस पर प्रैंक करेंगे, लेकिन वो थोड़ा ना स्केड्यूल जो है ना बिजी चल रहा था, तो इस वजह से मौका नहीं मिला। तो आज ये मौका मिला तो हमने कहा कि आज करते हैं जरा उस पर प्रैंक करते। अच्छा, मैं एक लॉजिक मैं प्रैंक बता दूं। प्रैंक क्या है, हमने क्या किया, डब्बा लिया डब्बा, ठीक है, वो उसके ऊपर ना हमने लगाई है क्रीम, उसमें केक नहीं है, लग रहा वो केक है, हमने केक बनवाया, वो केक बनवाया डब्बे के ऊपर, हमने क्रीम करवा के वो आपको दिखाते हैं, वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, उसको कॉल करते हैं, अल्लाह करे उठा ले, वैसे वो पता नहीं किधर होता है, अल्लाह करे उठा ले, अभी तक तो कॉलिंग जा रही है, उठा ले, हो गई रिंग हो गया, वॉट पोर्ट लिया वैसे किसी से, मुझे लग रहा है कहीं घर रहो, गाड़ी होगा फिर, अल्लाह करे गाड़ी हो, उठा ले उठा ले। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, फूड पांडा कैसे है, मजे में है? सुना किधर है राजे? शुक्र अल्लाह के। ओ यार वो बात सुन, पहुंच नहीं था जल्दी स्टूडियो, आ ना जरा, एक काम है छोटा सा यार, स्टूडियो में हाँ जल्दी यार, यार राजे छोड़ ना यार तू भाई, काम है जरूरी यार, वो थोड़ा मीटिंग करनी है उस सिलसिले में, आ ना जरा, थोड़ा सा ना यार, किधर फंसा हुआ है, किधर है, आधे घंटे तक देखता हूँ मैं, फिर है किधर, है किधर, है 40 मिनट तक आ सकता है, मुकान है यार, लाजमी है, वो बैठ गई, बात हो सकती है, आधे घंटे तक आ जी जल्दी, सही है, ओके ओके। तो गाइस यार उसे तो हमने बुला लिया है, तब तक हम बाकी डेकोरेशन वगैरह करते हैं, तो हो भी आधे घंटे में जब तक वो पहुंचा ना तब तक हम अल्लाह करे केक भी ले आएंगे और उसके बाद जो डेकोरेशन है वो भी करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे डेकोरेशन। बेकरी जिस तरह की आपको स्टूडियो में बताया था, बेकरी जाएंगे, वहाँ पे जो ऑर्डर दिया था केक का वो अभी मेरे ख्याल से बन गया, तो है अंदर पूछते हैं बेकरी वाले से, चल गए केक शेक बना या नहीं बना, देखते क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, की हाल है जी, ठीक हो राजा, केक का ऑर्डर दिया सी, बन गया कोई, ये केक लेके आओ, ओए होए ये वाला केक है, ये ऑर्डर दिया था उसका प्लास्टिक का डब्बा ऊपर रखवा के ना उसका, उसके ऊपर वो हमने केक बनाया, लेकिन वो बाद में जब उससे प्रैंक होगा ना उस टाइम पता चलेगा। हमजा क्या लगता है यार, उसको पता लगेगा? नहीं नहीं, हमें नहीं पता लग रहा, वो भाई को नहीं पता लग रहा यार, अभी नाम शाम लिखवाते हैं इसके ऊपर, हैप्पी बर्थडे फूड पांडा नाम लिखवाना है, नहीं लिखवाना गाइस। यार केक तो सब कुछ सीन है, रेडी है, लेकिन हमजा भाई यार वो बेकरी वाले कह रहे हैं उसमें वो डब्बा ही नहीं पूरा आ रहा, डब्बा नहीं मिल रहा, वो है भी इतना बड़ा इसके लिए कि इतना बड़ा हाइटेड केक है वो डब्बा ही नहीं मिल रहा, और किसी एंगल से तो वो डब्बा तो लग ही नहीं, डब्बा तो लग ही नहीं रहा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, अरे किसी एंगल से भी नहीं डब्बा लग रहा, अरे हमारे बेकरी वाले भाई ये वाले ये खुद कह रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कि ये डब्बा है। तो मौजूद नाजरीन केक हो चुका है पूरा, हमजा साहब उठाओ, हमजा साहब जी केक उठाओ, राजी बहुत शुक्रिया साडा केक बन गया साडा, ते साडे ताऊ दा भी शुक्रिया, शिमाई बेकर जी मेन बर्फखाना चौक आओ विजिट करो, ते ओके जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
तो गाइस यार केक लेके हम आ चुके हैं, तो चलते हैं अंदर, ठंड बहुत है भाई। केक माशाल्लाह ऐसे बना है ना कि नजर ही नहीं आएगा, पता ही नहीं लगेगा कि भाई केक है भी या नहीं। मैंने ऐसे बना के दिया केक। अच्छा ये लग रहा केक है लेकिन केक है नहीं, इसके नीचे डब्बा है। ये तो नहीं बताना था। ये देखें गाइस, हैप्पी बर्थडे फूड पांडा। 2000 years later. तो गाइस यार फूड पांडा को हमने दोबारा कॉल किया है, वो कह रहा था मैं आ रहा हूँ रास्ते में हूँ, ठीक है मोबाइल उसको नॉन पीटी है, पता नहीं उसके लिए आर्मी हमने मंगाया। ये देखिए आर्मी मंगवाया हमने, तो मोटरसाइकिल की आवाज तो आ गई है मेरे ख्याल से। वही है उसी ने इतना गंदा आ रहा है, ये गंदे साइलेंसर लगा दो। आ गए आवाज आ गई, मतलब ऑन आपको शर्म गलत नहीं आई केक खिलाने की, आप ही सरप्राइज दे रहे थे। क्या हुआ सर? सर शौक आया, मेरा बच्चा रो रहा है। सर हैप्पी बर्थडे सर। आपको तो शर्म गैरत नहीं आई केक खिलाने की, केक चेक करें, केक स्पेशल हमने ये देखें गाइस। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था इन्होंने ऐसा भी कुछ सोच के रखा होगा। ब्रदर आप हमारे भाई हैं, क्या हो गया? तुम्हारी तरह का एक बंदा भी बना है, ये बना यार आपको मंजूर है राजी, लेट मुझे बात समझ नहीं ज्यादा राजी छोड़ो राजी, लेट सेलिब्रेट। ये तुम ही खिलाओगे सारों को। चलो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सही है सही है, चुरी सही है, कार्ड क्यों नहीं रहा है? चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। यार ये क्या हुआ है? काटना यार जल्दी करना। काट क्यों नहीं रहा? मुझे क्या पता, यू काट ना सही। ओए ये क्या, ये क्या, ये क्या, ओए ये क्या है? इधर डब्बा निकला है नीचे से, ये किसने किया है? एक मिनट, ये लाद है, ये किसने किया है? हमने तो केक बनवाया था यार। यार तुम लोगों को प्रैंक करने के लिए मैं मिला था, आज लाद है आपके साथ प्रैंक, प्रैंक हो गया चल यार अब क्या कर सकते, चल यार छोड़िए ही गाल इधर इधर। यार हमारे भी कपड़े सारे खराब कर दिए। ये जब दोस्तों को प्रैंक करो ना फिर ये तो बर्दाश्त करना पड़ता, ये तो करना पड़ता। बनवा के किस लाया तुम, पहले मुझे ये बताओ। वो हमारा काम है, वो कैसा लगा यार हमारा? बाकी चलो प्रैंक था जो भी था, कारीगरी बहुत कमाल की थी भाई। केक वाले को मानना पड़ेगा, केक भी मजे का था मगर कारीगरी बहुत कमाल की थी। कोई जज ही नहीं कर सकता था केक, हम कुछ भी शौक हो गए। मैंने जज किया कि ये ओरिजिनल केक है, ये डुप्लीकेट है, या जो भी इन्होंने। आपको एक बात बतानी है, हमें एक गिफ्ट रिसीव हुआ है हमारे छोटे छोटे फैंस ने दिया है। हमजा भाई गिफ्ट निकालो जरा। वाओ उनका बहुत शुक्रिया, ये उन्होंने अपनी पॉकेट मनी जमा करके ब्रेक ब्रेक के लंच के पैसे जोड़ जोड़ के उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है। ये देखें जी, बहुत माशाल्लाह बहुत कमाल, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, ह्यूज रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमजा, हमजा हमजा थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये भी कंप्लीट करो ना, ये भी आता है। थैंक यू हमारे लिटिल फैंस, वो ये साथ इन्होंने एक लेटर दिया।
ट्रियो बाय एचएस का ये चेक करें यार जी, जो भी है दिल से किया है, दिल से किया है यार, लव इसको तो हम लगाएंगे ना अपनी वॉलपेपर पे, ठीक है वो हम आप पे छोड़ रहे हैं। और बाकी बस बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जिन्होंने गिफ्ट दिया, अगेन ह्यूज रिस्पेक्ट फ्रॉम अस, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह प्यार करते रहिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस ये क्या हुआ यार, प्रैंक हो गया हमारे साथ, हमने तो व्लॉग एंड किया और पीछे जी डब्बा उठाई है, देखे जी ब्राउनी से केक भरा है नीचे, भाई तो कह रहे थे डालिए ब्राउनी, लेकिन हम समझे साइडो पे वो साइडो पे छोटी छोटी डाली है, ये अभी डब्बा उठाया है, ब्राउनी का पार्ट निकल आया, वाओ बेकरी वाले साहब थैंक यू सो मच ब्रो।